था ब्लॉग अपने नेक्स्ट पार्क में पहुंच के बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और वो है नेटिव अमेरिकन्स की बस्ती। हमने जैसा देखा वैसा ही पाया। आज भी ये बेचारे अमेरिका जैसे मुल्क में जिस हाल में रह रहे हैं, मैं इस पे कमेंट नहीं करता। आप खुद इनके घर देखें और इनकी बस्ती देखें। स्कूल हमने देखा, यहाँ से मीलों दूर एक Why do स्कूल the दे same दिया। glasses cost so much less on glassesusa.com? और ये इन लोगों की बस्तियाँ, कहते हैं जी आज भी अमेरिका में ऐसे इलाके जहाँ बिजली नहीं है, जहाँ हॉस्पिटल नहीं है, जहाँ पे कोई बुनियादी ज़रूरियात नहीं है, जहाँ पे ड्रेनेज सीवरेज का सिस्टम नहीं है। तो हैरत होती थी। बहरहाल अल्लाह करे इनके हालात भी बदले, इनकी भी बेहतरी आए। एक ऐसा कल्चर जो मुझे बहुत फैसिनेट करता है, और एक बड़ी बहादुर कौम जो ख़त्म होगी, और अब नेटिव अमेरिकन जिनको दुनिया सारी रेड इंडियंस के नाम से जानती है, ये इनका हाल है जी, ये इनके घर हैं अमेरिका में। बात ये वो लोग हैं जो कि इनकी ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान में चले जाएं, हम एक डेवलप एरिया में चले जाएं। सामा ने मुझे क्लियर किया जी, इनकी बिल्कुल ख्वाहिश नहीं है पाकिस्तान या कहीं और जाने की, क्योंकि ये जगह इनकी स्पिरिचुअल वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा इसकी वो चीज़ है जो हम इनके कल्चर में पढ़ते हैं कि वे स्पिरिट ऑफ फलाना और स्पिरिट ऑफ माउंटेन्स और स्पिरिट, तो ये उसके साथ ये जगहें जुड़ी हुई हैं। और दूसरा इनको अंदर से यही है जी कि असल अमरीकी तो हम ही हैं, तो भले जैसे भी हो जो भी हो, अपना देश इनका यही है, तो ये यहाँ पर ही रहते हैं, चाहे जैसे हाल में रहें जिस तरह रहें। अपने इस एरिया को ये छोड़ना नहीं चाहते, इसी एरिया में इन्होंने अपने आप को फिक्स किया हुआ है, और यहाँ पे अभी भी वो अपना जो मजहबी तरीके हैं और उनके साथ वो जी रहे हैं। देखें जी एक और बस्ती आई जहाँ पे पवन चक्की से वो दाने पीसते हैं, ये इनकी बस्ती चेक करें। ये जी नावाहो नेशनल पार्क में आ चुके हैं, जहाँ से हम लोअर एंटीलोप कैनियन में जाएंगे, अ टूरिस्ट रिजॉर्ट। तो इसके बाद हमारा सफ़र शुरू होगा कैनियन का। यहाँ पे ये वॉशरूम्स हैं जी, बड़ा ही देसी सिस्टम है। तो नेटिव अमेरिकन्स के कंट्रोल में है ये जगह, इसीलिए ये जगह आपने देख लिया कि उसने प्रॉपरली डेवलप नहीं है, लेकिन चलें नेचर प्रिजर्व है। ये वाला टॉयलेट खुला है, देखते हैं जी ये अंदर से कैसा दिखता है। नहीं ज़बरदस्त जी, बेहतरीन बना हुआ है। ये हम आ गए हैं, ये है जी एरिया की अट्रैक्शन जिधर हम जाएंगे। दिस इज़ द मैजिकल वर्ल्ड जिधर जा रहे हैं। वो सामने उन्होंने अपने कल्चरल, ये रेड इंडियंस की रिजर्वायर है, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस पर फेस कवर मस्ट है, जिधर हमारे मुंह से मास्क उतरा तो ये भेज देंगे। अभी सारों ने अपना कोविड की वैक्सीनेशन और ये सारी डिटेल्स एंटर करनी है, जिसके लिए सारे खड़े हैं। तो वी आर हेयर, तो टूर में जी टेम्परेचर चेक करेंगे, हाथ साफ कराएंगे, सैनिटाइजर मास्क पहने हुए, 6 फीट डिफरेंस वगैरह वगैरह, सख्त किस्म की पॉलिसीज़ हैं जी इनकी। ये देखें जी वर्कर्स भी इधर मास्क पहन के बैठ रहे हैं। कंटिन्यू, ओके थैंक यू। सो आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, दैट इज नेबर ऑफ इंडिया, वंस वी वर इज द सेम कंट्री।
And you're from? Huh? And you're from this area, right? Yeah, Navajo. You're Native American? Huh? You're Native American? Native American, yeah. Wow. I read a lot about your culture. My favorite topic. Your namaste. Oh, right? No, we namaste. Say salam. Salam? Salam. This is like, salam is from... Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Yeah, salam. So, We have another guy from who's Native American and he's so kind to share us this building. Yeah. And this is their Hogan. Hotan. Hogan. Hogan. Hogan is. Is it worship place? Huh? Worship place? No. It's a residential compound. Or. ये इनकी worship spot. जो कि मुझे बताया गया ये यहाँ पे सिटिंग प्लेस है सर के ऊपर शेड ये इस पे पत्ते शेटे डाल के इसको कवर कर लेते थे तो ये होगान है जो इनका मेन लिविंग एरिया है दिस इज़ द प्लेस ऑफ वर्शिप जहाँ पे जाके ये वर्शिप करेंगे और ये साथ सिटिंग एरिया और ये सारा कवर है जो कि एक मिलकर इनका मॉडल घर बन जाता है ये है जी अगर आप देखें तो कैनियर जो ग्रैंड कैनियन है इसके तीन पोर्शन हैं कैनियन एक्स अपर एंटीलोप कैनियन लोअर एंटीलोप कैनियन हम लोग लोअर एंटीलोप कैनियन इसमें जा रहे हैं विच इज़ आप देख लें कि कितना खूबसूरत है बाकी इन सारों को अगर आप देख लें तो अपर की जो खूबी है इसमें लाइट बीम आती हैं तो उससे यहाँ पे सुबह के वक्त बड़े मज़े की रोशनी आती है पर ये लोअर है जिसमें हम जा रहे हैं हमारे लिए ये मैजिकल वर्ल्ड जो वेलकम कर रही है तो कंटिन्यू ये इधर अंदर शॉप में हम गए जहाँ पे इनकी जो नेटिव अमेरिकन्स के सिविलाइजेशन की वो मुख्तलिफ ऑर्नामेंट्स उनकी ज्वेलरी उनके कपड़े वगैरह मौजूद थे अनफॉर्चुनेटली वो अंदर तस्वीरें खींचना अलाउ नहीं है या वीडियो बनाना अलाउ नहीं है क्योंकि वो कहते हैं ये हमारी हेरिटेज है हमारे एंसेस्टर्स की निशानियाँ हैं हम नहीं चाहते कि इसको एक्सपोज किया जा सके तो बहरहाल देखना अलाउ था तो यहाँ पे आके जो मुझे इम्पोर्टेंट बात पता लगी कि टर्कोइज़ या फिरोज़ा इनके लिए बड़ा मुकद्दस जिम माना जाता है हेल्थ प्रॉस्पेरिटी की सिंबल है टर्कोइज़ इनकी इस सोसाइटी में तो आई विश मैं आप लोगों को दिखा सकता लेकिन ये क्योंकि अपने कल्चर को बहुत प्रिजर्व करते हैं और बहुत दुनिया से वो अलाउ नहीं करते कि उसको एक्सपोज किया जाए दुनिया के सामने तो फोटोग्राफी और वीडियो अलाउ नहीं है बहरहाल यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली हैं बहुत अच्छे लोग हैं तो ये इस बिल्डिंग के अंदर देयर इज़ अनदर वर्ल्ड जो कि इन लोगों की अपनी ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ें इनके एंसेस्टर्स की चीज़ें जिसमें मौजूद अच्छा तो ये ग्रैंड कैनियन में इन्होंने स्ट्रेट अवे रूल नंबर 6 अगर आप देखें तो नो वीडियो रिकॉर्डिंग थ्रू आउट द कैनियन सो आई एम नो मोर अलाउड एंड आवर टूर गाइड क्लियरली हमें उसने बता दिया कि ये चीज़ नहीं है कॉपीराइट रीजंस की वजह से अलबत्ता वी कैन टेक द फोटोज़ तो आई विल शेयर द फोटोज़